नमस्कार दोस्तों, आज हम UPPCS सीरीज में बात करेंगे विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में। इससे भी UPPCS में एक या दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की पांच सर्वाधिक लंबी नदियों के बारे में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी, और इसकी लंबाई कितनी है? 6500 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। दूसरा बात करते हैं, विश्व की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तीसरी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची नदी, और इसका नाम दूसरा नाम क्या है? चेंगचियांग नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर, और ये कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। चाइना में स्थित है ये। नेक्स्ट बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन नदी। मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन नदी, इसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है, और ये उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। पांचवा बात करते हैं यानिसी अंगारा सेलेंगा नदी, इसकी लंबाई 5539 किलोमीटर है। कुछ और फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये UPPCS में एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो वो कौन सी नदी है? कांगो नदी। दोस्तों, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। दूसरी मैं बात करता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो वो कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है, जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है, और ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, कुछ और नदियों की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट में जो प्रमुख नदियाँ हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका प्रमुख नदियाँ। तो उत्तरी अमेरिका प्रमुख नदियों में पहली नदी है पोटोमैक नदी। जो पोटोमैक नदी है ये अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका का वाशिंगटन DC इसी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात करते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ है? ये कनाडा में है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो ग्रेट स्लेव लोक है, लेक है, और ये आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोराडो नदी, येलोस्टोन नदी, स्नेक नदी, मिसिसिपी नदी। ये चारों नदियाँ कहाँ पर हैं? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। कौन कौन सी नदी? फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कोलोराडो नदी, येलोस्टोन नदी, स्नेक नदी और मिसिसिपी नदी। ये सब कहाँ पे स्थित हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूकान नदी। यूकान नदी कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के अलास्का स्टेट में स्थित है। यूकान नदी कहाँ पे स्थित है? अलास्का स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट लॉरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा बनाती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका प्रमुख नदियों के बारे में। तो उसमें सबसे प्रमुख नदी है अमेजन नदी, इसके बारे में अभी बता रखा है मैंने। दूसरी बात करते हैं ओर्निको नदी। ओर्निको नदी कहाँ पर है? वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित है। इसका ज़्यादातर पार्ट कोलंबिया में है, सॉरी ज़्यादातर पार्ट वेनेजुएला में, और कुछ पार्ट कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पराना नदी। पराना नदी ईस्टर्न दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूरोप की नदियों के, यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में UPPCS में एक या दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, और ये मैं उन सभी नदियों को डिस्कस कर रहा हूँ जो UPPCS में कभी न कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सबसे पहले बात करता हूँ नीपर नदी। तो नीपर नदी कहाँ से निकलती है? ये मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है, मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है, और ये काला सागर में आके मिल जाती है, और ये यूक्रेन की प्रमुख नदी है। कहाँ की? यूक्रेन की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं यूराल नदी। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है, दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? यूराल नदी। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। इसका जो उद्गम है, सोर्स है, वो वल्दाय की पहाड़ियों से है, और ये भी कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं डेन्यूब नदी, नेक्स्ट बात करते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम है, जो सोर्स है, वो कहाँ पे है, जर्मनी से है और ये काला सागर में जाकर मिल जाती है डेन्यूब नदी। नेक्स्ट बात करते हैं पो नदी। पो नदी इटली की प्रमुख नदी है। कहाँ की? इटली की प्रमुख नदी कौन सी है? पो नदी है। राइन नदी, राइन नदी कहाँ पे है? जर्मनी की प्रमुख नदी है और ये रिफ्ट वैली पे, इसका निर्माण जो हुआ है वो रिफ्ट वैली के थ्रू हुआ है और जर्मनी का बांसर इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं रोन नदी। रोन नदी स्पेन की प्रमुख नदी है। कहाँ की? स्पेन की प्रमुख नदी है। स्प्री नदी, स्प्री नदी जो है वो हावेल, यूरोप की एक नदी हावेल, उसकी सहायक नदी है और बर्लिन शहर, जर्मनी का बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं सीन नदी। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में स्थित है और ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं लोरी नदी। लोरी नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंजेनरेस नदी। ये मेंजेनरेस नदी ये कहाँ पे है? ये स्पेन की प्रमुख नदी है और स्पेन का मैड्रिड सिटी, स्पेन कैपिटल मैड्रिड मेंजेनरेस के किनारे स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में नील, अफ्रीका की प्रमुख नदी नील नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम स्थान है, सोर्स है, वो विक्टोरिया लेक है। दूसरी अमेरिका प्रमुख नदी है नाइजर नदी है, नाइजर नदी। तीसरी है ओरेंज नदी। ओरेंज नदी क्या करती है कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट बात कर लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक और बोस्वाना कंट्रीज में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कांगो नदी। कांगो नदी ये भी कहाँ पे? ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। अब लोग दोस्तों बात करते हैं एशिया के प्रमुख नदियों के बारे में। एशिया के प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं ओब नदी। ओब नदी और लीना नदी ये दोनों रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। ओब नदी और लीना नदी कहाँ की हैं? रूस की प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी इराक की प्रमुख नदी है, इराक की मुख्य नदी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सर दरिया और आमू दरिया। इसके बारे में UPSC में कई बार पूछ चुका है कि सर दरिया और आमू दरिया कहाँ पर आ गिरती हैं, तो ये अरल सागर में आ गिरती हैं। सर दरिया और आमू दरिया अरल सागर में आ गिरती हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टिग्रिस। टिग्रिस नदी कहाँ पर? ये पूर्वी टर्की में, पूर्वी तुर्की में और पूर्वी तुर्की में और ये इराक में आकर यूफ्रेटस नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इरावदी नदी और सालविन नदी। इरावदी नदी और सालविन नदी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग मेकांग नदी। मेकांग नदी चाइना से निकलती है और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। कौन सी? मेकांग नदी। नेक्स्ट बात करें चायोफ्राया नदी। चायोफ्राया नदी चीन से निकलती है और थाईलैंड की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं महावेली गंगा। महावेली गंगा कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है। एंड लास्ट दोस्तों बात करते हैं लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियाँ हैं मरे नदी और डार्लिंग नदी। तो दोस्तों आज विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।